हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में मैंने शामिल किया है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो झारखंड से संबंधित हैं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो झारखंड SSC CGL की तैयारियों में लगे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा जो झारखंड में आयोजित होने वाले प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 7 JPSC भी आने वाली है और झारखंड SSC CGL के जो फॉर्म है वो भरने भी शुरू हो गए हैं। झारखंड SSC CGL की अगर बात की जाए तो उसके सिलेबस में दिया हुआ है कि 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो झारखंड से संबंधित होंगे। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि झारखंड से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं आप लोगों को करा दूं, और झारखंड से रिलेटेड जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता है तो उन सारे टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊं, और यही काम मैं कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था 500 प्रश्नों का जो झारखंड से संबंधित होंगे, उस सीरीज का ये अगला भाग है। इसमें मैंने कुल आज के क्लास में 35 प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन इन प्रश्नों का जब मैं उत्तर कराऊंगी तो उसको डिटेल में बताते हुए चलूंगी, ताकि इससे संबंधित अगर अन्य प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर भी करने में आप सक्षम हो। साथ साथ मैं जो झारखंड की ज्योग्राफी का भी जो क्लास स्टार्ट करी हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले के क्लास में वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में किन किन क्षेत्रों में है तो उसे मैंने कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में जो जलप्रपात हैं उस पर मैं क्लासेस को लूँगी, लेकिन वन डे अल्टरनेट करके मैं इस तरह के क्लासेस को ले रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि झारखंड के करंट अफेयर का भी क्लासेस को स्टार्ट करो, तो संडे को मैं झारखंड करंट अफेयर का क्लास कराऊंगी। हर सप्ताह का जो संडे आता है उस संडे को मैं करंट अफेयर कराऊंगी झारखंड से रिलेटेड, और बाकी के समय में 500 प्रश्नों का ये सीरीज चलेगा और साथ में ज्योग्राफी चलेगा झारखंड का। जैसे ही झारखंड का ज्योग्राफी खत्म होगा फिर इतिहास विषय का आएगा नंबर। तो फिर आज के क्लास में मैंने जो पहला प्रश्न लिया है, चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज के क्लास में जो मैंने पहला प्रश्न लिया है वो है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी जो है वो राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है। अब चलिए हम लोग राजमहल का ट्रैक का के बारे में थोड़ा जान लें कि ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है। बेसाल्टिक चट्टानों से के ऋतु चरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में जीवाश्म के अंश कम पाए जाते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त मिट्टी है, लेकिन झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाने वाले काली मिट्टी में यहाँ अधिकतर धान और चने की खेती ज्यादा होती है। तो आपने इतनी बातों को जाना काली मिट्टी से संबंधित। अब हम लोग आगे चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ है। केंद्रीय कारा या केंद्रीय जेल जिसको कहते हैं वो कहाँ पर है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, तो ये है रांची के होटवार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले से संख नदी का उद्गम है। तो झारखंड के गुमला जिले से संख नदी का उद्गम है। अगर संख नदी की बात की जाए तो संख नदी निकलती है गुमला से और इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। मौर्य काल के समय में इससे संबंधित कुछ जानकारियां मिली हैं। इसका कहा जाता था कि शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा प्रमुख नदी है थी। शंख नदी का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रश्न लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है सिमडेगा जिला में प्रति किलोमीटर में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की तो झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है धनबाद। अगर सर्वाधिक अगर पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व कहाँ है झारखंड में तो वो है धनबाद में। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है झारखंड में तो वो होगा सिमडेगा। सिमडेगा झारखंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये अपनी सीमा छत्तीसगढ़ से भी साझा करती है और उड़ीसा के साथ भी साझा करती है, और ये सिमडेगा जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आपने सिमडेगा के बारे में भी इतनी बातों को जाना। अब हम लोग नेक्स्ट
प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जो है वो है रांची में स्थित है। एक और जगन्नाथ मंदिर है वो है पुरी में। अगर ये प्रश्न पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है तो उसका उत्तर होगा पुरी में, जो उड़ीसा में है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है तो वो होगा रांची में, रांची के धुर्वा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि रथ यात्रा के समय में यहाँ बहुत बड़ी मेला बड़ा मेला लगता है, और इसका निर्माण एनी शाह, एक नागवंशी शासक थे एनी शाह, उनके द्वारा 1691 ईस्वी में करवाया गया था। और जगन्नाथ मंदिर जो है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अलग अलग क्षेत्रों से पर्यटक जो हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है नामकुम में। नामकुम जो है रांची का ही एक क्षेत्र है। नामकुम में लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैं आपको लॉक के उद्योग के बारे में मैं बता दूं क्योंकि झारखंड में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और झारखंड में ही नहीं देश विदेशों में भी इसकी ख्याति है, क्योंकि लॉक उत्पादन में पूरे भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है। लगभग 60% से ज़्यादा लॉक का उत्पादन झारखंड में किया जाता है, और झारखंड में भी इसका जो संकेंद्रण है वो है पलामू का क्षेत्र। झारखंड में सबसे ज़्यादा लॉक उत्पादन पलामू में होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लॉक उत्पादन होता है झारखंड में। तो ऐसे इतने ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि तसर उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है, वैसे ही लॉक उत्पादन में भी झारखंड का पूरे भारत में पहला स्थान है। और इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो है नामकुम में। नेक्स्ट है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो जैसे मैंने इसके पहले बताया कि राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती हैं। बेसाल्टिक चट्टानों के ऋतु क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इन सभी बातों को मैंने बताया है। तो राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। एक बात मैं और भी बताते चलूँ कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था। तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो उससे मैग्मा निकला, तो उस मैग्मा के ठंडे होने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। यही कारण है कि यहाँ पर बेसाल्ट प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं, और जिसमें जीवाश्म कांस कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये है 76.84%। तो झारखंड में, पूरे झारखंड में अगर साक्षरता की बात की जाए तो झारखंड में साक्षरता दर जो है वो 64.8% है। पुरुष जनसंख्या दर कितनी है? तो वो है 76.84%। और अगर यहाँ प्रश्न बनता है महिला साक्षरता दर से, तो झारखंड में महिला साक्षरता दर जो है वो 55.4% है। तो आपने इतनी बातों को जाना, और मैं कुछ और भी साक्षरता के बारे में मैं और बता दूं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है जिला अगर पूछा जाता है तो वो है रांची का। अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो वो होगा पाकुड़। तो साक्षरता दर से ऐसे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जब मैं झारखंड की जनगणना पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये झारखंड के ज्योग्राफी विषय का ही एक भाग है झारखंड की जनगणना, तो उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में करा दूंगी। झारखंड का ज्योग्राफी मैं पढ़ा ही रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो झारखंड के जलप्रपात पर होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न जो है निश्चित बनते हैं। मैं वैसे भाग को जल्द से जल्द करा देना चाहती हूँ जहाँ से एक न एक प्रश्न जो होते हैं निश्चित पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न लिया मैंने कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का रांची में किसने नेतृत्व किया था? तो रॉलेट एक्ट जो कानून अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए, उसको कम करने के लिए, तो उसका प्रभाव जो था झारखंड पर भी पड़ा। रॉलेट एक्ट के विरोध में झारखंड में भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें रांची में जिन्होंने विरोध किया था वो उसमें प्रमुख नेता जो थे वो थे बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी मिली?
तो थोड़ा मैं माफ कीजिएगा, रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में लाया गया था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के लिए ये कानून लाया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए इस तरीके के कानून लाए गए थे। इसका विरोध इतना ज्यादा हो रहा था कि अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में इसका प्रभाव देखने मिला था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था, इसके तुरंत बाद हुई एक बहुत बड़ी घटना थी। 2019 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का 100 वर्ष जो है, 100 वर्षवीं जयंती जो वर्षगांठ है वो मनाई जा रही है। और बहुत ही दर्दनाक वो घटना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। इसमें हजारों भारतीयों की जान गई थी और बैशाखी का वो दिन था। तो जालियांवाला बाग से संबंधित करंट अफेयर में प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, इतिहास विषय से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इस भाग को अच्छे से आप कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न मैंने जो लिया है वो है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी हुई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। अब आप जब पूछेंगे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कौन है, देखिए इनका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग मेंशन किया, जैसे ठाकुर विश्वनाथ शाही भी कहीं कहीं मिलेगा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह भी मिलेगा और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी मिलेगा। तीनों एक ही नाम है और इन ये जो थे 1857 ईस्वी की क्रांति के अग्रणी नेता थे। इनके नेतृत्व में ही झारखंड के विद्रोही जो थे विद्रोह कर रहे थे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में, और इनको पकड़ के इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये यहाँ डेट आपसे पूछा जा रहा है कि किस तिथि को इनको फांसी दी गई थी, तो ये था 16 अप्रैल का डेट 1858 ईस्वी को रांची में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है नोवा मुंडी। झारखंड के क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, झारखंड का जो भाग है उसको भारत का रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाएं जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। एक झारखंड के छोटे से राज्य में इतनी ज्यादा अलग अलग तरह की खनिज को प्राप्त करना ये बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर लौह अयस्क भी जो है वो पाए जाते हैं और उसका सबसे बड़ा जो खान है, जो पूरे एशिया में इसका अपना स्थान है, वो है नोवा मुंडी की खान। झारखंड में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया इसके पहले क्लास में कोयले के खान के बारे में, तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का खान जो है वो पाया जाता है, लेकिन लौह अयस्क के बारे में अगर पूछा जाए तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुरता है। झारखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम का भी क्षेत्र है, वैसे क्षेत्रों में लौह अयस्क की प्रधानता है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा उसका उत्पादन होता है लौह अयस्क का। तो आपने जाना नोवा मुंडी की खान के बारे में भी कि नोवा मुंडी की खान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। तिलका मांझी तिलका विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तिलका विद्रोह जो था वो 1783 ईस्वी में शुरू हुआ था और तिलका मांझी ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी इस विद्रोह के दौरान। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने 1785 ईस्वी में की गई थी। अंग्रेजों ने इन्हें से धोखे से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको फांसी दे दी थी। फांसी कहाँ दी थी? तो वो था भागलपुर का क्षेत्र। भागलपुर में बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी। ये जगह जो है आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलूटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मलूटी मंदिर जो है ये दुमका में स्थित है। दुमका जो है ये संथाल परगना का मुख्यालय है और यहाँ पर ही मलूटी मंदिर जो है वो स्थित है दुमका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन 1915 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा अगर पूछ दिया जाए तो ये है जोयल लकड़ा। जोयल लकड़ा के द्वारा ये छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी 1915 ईस्वी में। और भी मैं इस समाज के बारे में बता दूं कि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था ये आदिवासियों की उन्नति के लिए इनका कार्य था। उन्नति इनका उद्देश्य था कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनके आर्थिक विकास करना, उनका सामाजिक विकास करना।
तो और इनका बहुत ज्यादा योगदान था इस तरीके के समाज का झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। तो ये आपको मिलेगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। तो मैंने इसके इसे बहुत ही अच्छा एक क्लासेस को बनाया है, एक सीरीज ही था पूरा 5-6 वीडियो का, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो आप उसको पढ़ लेंगे तो यहाँ का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन सी सोसाइटी थी जिसका योगदान था झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में, और कब कब इस सोसाइटी का गठन हुआ था। क्योंकि गठन वर्ष से भी प्रश्न पूछा जाता है, किसके द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी उसका भी प्रश्न बनता है, और पूरा एक क्रम में आप अगर इसको याद करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेरवार आंदोलन कब हुआ था। तो खेरवार आंदोलन हुआ था 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन थे। तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक थे जे हॉफमैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है 51.32%। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोटुल क्या है। तो घोटुल जो है वो संथाल जनजाति का युवा गृह है। तो थोड़ा हम लोग युवा गृह के बारे में जान लें कि ये युवा गृह है क्या। झारखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियां जो है वो निवास करती हैं, 32 प्रकार की जनजातियां। इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है संथाल जनजाति। झारखंड के अधिकतर जनजातियों में जो परंपराएं प्रचलित हैं उन परंपराओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं परंपराओं में एक है युवा गृह। युवा गृह में जो जनजाति हैं उनके बच्चे बच्चियां को भेजा जाता था ताकि वो अपने समाज के संस्कृति को, परंपराओं को, सभ्यताओं को वो सीख सकें और उनके लिए जीवन जो है वो आसान बन सके। तो युवा गृह में बच्चे बच्चियों को भेजा जाता था, लड़के लड़कियों को भेजा जाता था, वहां जाकर के वो अपने समाज के संस्कृति और उनके परंपराओं को सीखते थे। तो अलग अलग समाज में अलग अलग आदिवासियों के अलग अलग युवा गृह होते हैं, जैसे कि घुमकड़िया हो गया या घोटुल हो गया। तो यही यहाँ प्रश्न बनता है कि घोटुल जो युवा गृह है वो किस जनजाति का युवा गृह है। तो ये है संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति का युवा गृह क्या हो गया, वो हो गया घोटुल। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली थी। तो झारखंड में एक छऊ नृत्य होता है, छऊ नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला है। झारखंड का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, और इस ख्याति को दिलाने के लिए सरायकेला के जो राजा थे जिनका नाम था राजकुमार थे जिनका नाम था सुधेंदु नारायण सिंह, उन्होंने इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया। इसका मंचन यूरोप में भी इनको इनका करवाया गया, और ये वर्ष था 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी में सुधेंदु नारायण ने यूरोप में इसका मंचन कराया था छऊ नृत्य का, और तब से ये विश्व प्रसिद्ध नृत्य हो गया है। छऊ नृत्य में होता क्या है, क्योंकि प्रश्न जैसे मैंने आपको पर्व त्योहार के बारे में बताया कि पर्व त्योहार से प्रश्न जैसे बनते हैं कि उसकी उसका किस तरीके से मनाया जाता है वो तरीका दे देगा और पूछेगा कि त्योहार कौन सा है, उसी तरीके से डांस नृत्य करने की जो शैली है, जो तरीका है, उस वो दे देगा और पूछेगा ये किस प्रकार का, कैसे, ये कौन सा नृत्य है जो इस तरीके से किया जाता है। तो मैं थोड़ा आपको छऊ नृत्य के बारे में मैं बता दूँ। इतना तो पता ही चला कि सरायकेला से ओरिजिन हुआ है इस छऊ नृत्य का, और छऊ नृत्य के दो भाग हैं, दो श्रेणियां हैं छऊ नृत्य के। एक है काली भंगा और दूसरा है होतियार, ठीक है। तो ये दो इसकी श्रेणी है, और छऊ नृत्य ओजपूर्ण नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, और पुरुष जो है वो मुखौटे पहनकर इसका मंचन करते हैं, और इस नृत्य में ऐतिहासिक और पौराणिक जो कथाएं हैं उसका मंचन किया जाता है, और दर्शकों के लिए ही मंचन होता है इसका। और इसमें जो नृत्य किया जाता है तो पैरों की जो गति होती है वो अपनी अद्भुत छटा प्रस्तुत करती है, और लोग जो दर्शक होते हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी ये नृत्य जो जो पैर जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, धीमी गति हो जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो इस नृत्य की ये खासियत है छऊ नृत्य की। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू हुई थी। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना जो है 2001 में शुरू हुई थी। अब अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना था। तो मैथन डैम 1958 ईस्वी को बराकर नदी पर बना था।
मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर बना हुआ था, 1958 ईस्वी में बना था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है बोकारो स्टील प्लांट, जो सेल के अधीन कार्य करती है। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी, और उत्पादन वर्ष से अगर प्रश्न पूछा जाए तो 1972 ईस्वी में यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश की सहायता से इस प्लांट का निर्माण हुआ था, तो वो था सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीट है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में झारखंड में 1 सीट है। अगर प्रश्न यहाँ आता है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जनजाति से लोकसभा में 5 सीट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड में लोकसभा की कितनी सीट है, तो ये कुल 14 सीट है जो झारखंड में है लोकसभा की। नेक्स्ट प्रश्न है कि जपला किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो जपला जो है ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में छौ नृत्य का जन्म हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि सरायकेला से छौ नृत्य का उद्गम हुआ था, तो झारखंड के सरायकेला से छौ नृत्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई आपसे पूछा जाए तो ये 380 किलोमीटर है। इसके पहले के क्लास में मैंने आपको बताया था झारखंड का सामान्य परिचय का भाग एक में आप इसको देख लेंगे कि उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दामोदर नदी घाटी जो है उसके प्रथम अध्यक्ष थे एंड्रयू डब्ल्यू लैंगस्टे। दामोदर घाटी परियोजना जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इस परियोजना की शुरुआत 1948 में हुई थी। ये भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी और इसे अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पे ही इसे यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो भूमि संरक्षण का जो मुख्यालय अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए दामोदर घाटी निगम का, तो ये इसका मुख्यालय हो जाएगा हजारीबाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस त्योहार में लड़कियां, अविवाहित लड़कियां, एक लकड़ी या बांस की सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करके आती हैं? तो ये ऐसे क्रिया किस त्योहार में होती है कि अविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो बांस से बने हुए सुसज्जित चौखट को नदी में प्रवाहित करने जाती हैं? तो ये ऐसा होता है टुसू पर्व में। टुसू पर्व जो है वो झारखंड में मनाई जाने वाला एक त्योहार है। ये जो त्योहार है सूर्य की पूजा से संबंधित त्योहार है और मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। टुसू नाम की एक कन्या है, उसके याद में मनाया जाने वाला ये पर्व है। और इस पर्व में क्या होता है कि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो सुसज्जित बांस के चौखट को लेकर के जाकर नदी में प्रवाहित करती हैं। अगला प्रश्न है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व जो होता है वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। बात की जाए झारखंड में मनाने वाले पर्व त्योहार की, तो झारखंड में सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार जो है वो सरहुल है। दूसरा स्थान आता है कर्मा का। इसमें कर्मा और धर्मा दो भाइयों की कहानी के पे ये पर्व है और इसमें कर्मा की जो लकड़ी होती है उसको गाड़ के भूमि में उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या के आधार पर चौथी बड़ी जनजाति है और इसमें शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो होता है वो मुंडा कहलाता है। और जो गांव का प्रधान जो मुंडा होता है, मुंडा की सहायता के लिए डाकुआ होता है। डाकुआ जो है वो मुंडा की सहायता करता है। अगर धार्मिक प्रधान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो होता है देवरी। देवरी जो होता है वो पूजा पाठ कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराने की का काम जो होता है वो होता है देवरी का।
आपने हो जनजाति के बारे में इतनी बातों को जाना, और भी मैं कुछ बता दूं कि इनका संकेंद्रण जो है वो कोल्हान के क्षेत्र में है। झारखंड का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और इसका जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। यहाँ पर हो जनजाति का केंद्रण है, और हो जनजाति की जो भाषा है हो भाषा है, और ये मुंडारी भाषा समूह की ये भाषा है हो भाषा। नेक्स्ट है, महेशपुर की किस रानी ने पहाड़िया लोगों को अंग्रेजों का विरोध करने को कहा था? तो महेशपुर की एक रानी थी, रानी सर्वेश्वरी, उन्होंने पहाड़िया लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहा था। ऐसा हुआ था 1782 ईस्वी के समय में, और उस समय में पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे, जो जिनका केंद्रण था झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो वहाँ पहाड़िया जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, और विद्रोह किसके खिलाफ हो रहा था, तो अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था। तो रानी सर्वेश्वरी की महत्वपूर्ण भूमिका था पहाड़ी आंदोलन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? सुनोत का अर्थ होता है शुद्ध, तो सुनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ये समय था 1971 ईस्वी का, और सुनोत संथाल समाज की स्थापना के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। विनोद बिहारी और सांसद इनका दोनों का, ये शिबू सोरेन, इन दोनों ने मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था सन 1973 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में सुनोत संथाल समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रांची जिले में कौन सी भौगोलिक रेखा जो है वो गुजरती है? तो ये हो गया कर्क रेखा गुजरती है। भारत में एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है जो भारत को भारत के बीचों बीच भाग से गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी एक राज्य है। झारखंड की राजधानी रांची से होकर ये कर्क रेखा भी गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 में हुआ था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जेपीएससी में हो या जेएसएससी में हो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। और ये भी झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, झारखंड का पहला बिजली घर कौन सा है? तो झारखंड का पहला बिजली घर कहाँ है, कौन सा है? तो तिलैया में है ये बिजली घर। तो आज आपने कुल मिलाकर 35 प्रश्नों के को जाना और उसके उत्तर को डिटेल में समझा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोगों का लगातार मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है कि एक दिन में लगभग 1000 से ज़्यादा ही मैसेज होंगे जो मेरे पास आते होंगे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल ये क्रिएट करता है, क्योंकि और मैसेजेस सबसे ज़्यादा होते हैं पीडीएफ पे। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं पीडीएफ रेडी कर रही हूँ, मेरा प्रयास हो रहा है कि इन सारे चैप्टर्स का पीडीएफ बना दो, तो इस प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, फिलहाल आप वीडियो देखिए, वीडियो से तैयारी कीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है, जो विदेशों में भी रहते हैं, देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं, और जेएसएससी का उन्होंने फॉर्म डाल रखा है, तो और उनके पास टाइम नहीं मिल पाता नोट्स बनाने का, या पीडीएफ मतलब ये फिर उनको ये पीडीएफ पे ही वो लोग डिपेंडेंट है, तो उन लोगों के लिए मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं बना दूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने रेडी कर लिया। प्लीज़ पीडीएफ से संबंधित आप जो मैसेज हैं वो ना करें, मैंने सिर्फ कहा है सीएनटी एक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अन्य पीडीएफ जो होगा वो समय आने के पर ही मैं दूंगी, क्योंकि अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।